अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। और एक जुमला कहा जाता है ना कि था जिसका इंतज़ार आ गया है वो शाहकार। तो बिल आखिर कराची में ग्रीन लाइन बसों की पहली खेप कराची पोर्ट पहुंच चुकी है। इस वक्त उनको माल बरदार जहाज से उतारने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। एक एक करके इस जहाज से पोर्ट पर यानी ज़मीन पर मुंतकिल किया जाएगा। तो अब वो कराची की मिल्कियत हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द कराची की सड़कों पर रवा दवा होगी। आप देख रहे हैं मनाजिर, अब ये क्रेन की मदद से जो ग्रीन बस है उसे पोर्ट पर उतारा जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं, एक्साइटेड हैं, क्योंकि कराची में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आप सबको पता है। और इस वक्त कराची की पहली ग्रीन लाइन बस उतर चुकी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कौन बात कर रहे हो? देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक है और यहाँ पर आप इसको सिर्फ चार्ज करेंगे और पूरा दिन इससे ये चलेगी, जिसकी वजह से जो आपको जो CNG या इसी तरीके से पेट्रोल के खर्चात हैं वो कम से कम होंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हुई है, तो इसमें मज़दूरों के लिए भी जगह रखी गई। इसके साथ साथ जो मुसाफिर खड़े होंगे उनके लिए हैंडल लगाए गए हैं ताकि वो आसानी के साथ खड़े हो सकें। इसी तरीके से यहाँ पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और फुली एयर कंडीशन है, यानी कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि आपको बताया जा सके कि आपने कौन से स्टॉप उतरना है, तमाम चीज़ें पता चलती जाएगी। जो मशीन है वो अभी आपको बताएगी कि 40 बसों की खेप पहुंची है पहली, और अक्टूबर यानी अगले महीने में मज़ीद 40 बसें पहुंचेगी। जानी टाउन से लेकर ये टावर तक का ये प्रोजेक्ट है, मगर पहले मरहले में इसे नुमाइश तक की गाड़ियां चलाई जाएंगी। अभी काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है और बहुत ज़्यादा शहरी खुश हैं, खुसूसन जो नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, इसी तरीके से सुरजानी टाउन के न्यू कराची की तरफ रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और गवर्नर सिंह दोनों ही बसों का मुआयना करने के लिए पहुंच गए और अब से कुछ देर बाद तकरीब होगी जहां पर ये खिताब फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।